So hey guys, this Camille and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है BN Editor एप्लीकेशन के अंदर आप Free Fire का मोन्टाज प्रोफेशनली कैसे एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को BN Editor एप्लीकेशन में। तो BN ऐप पर आने के बाद सबसे पहले नीचे आपको एक प्लस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको ऐड कर लेना है, यानी कि जिसको आप एडिट करना चाहते हो। सो मैंने यहाँ से अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको सिलेक्ट कर लिया और नीचे आपको एक कैरो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो आपका गेम प्ले वीडियो आ जाएगा BN Editor एप्लीकेशन के अंदर। इसको आप यहाँ से नीचे से प्ले कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप के आप देख सकते हो प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको उसका जो साउंड उसको म्यूट कर लेना है। सो अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको मिलता है वॉल्यूम, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका वॉल्यूम आप यहाँ से जीरो कर लेंगे, उसके बाद कर देंगे डन, तो इसके जो वॉल्यूम इस तरीके से म्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे और हमें अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको कलर ग्रेडिंग कर लेना है सबसे पहले। सो कलर ग्रेडिंग का जो प्रीसेट है जो लाट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कलर फिल्टर, ठीक है, कलर इफेक्ट, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपनी गेम प्ले वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो और एक ही क्लिक में आप अपना जो मोन्टाज उसको कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का कलर इफेक्ट आप अपने मोन्टाज पर डाल सकते हो, सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो आपके मोन्टाज पर कुछ इस टाइप का जो है कलर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो आप किसी भी टाइप का कलर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक जिस टाइप का आप कलर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने कुछ इस टाइप का जो कलर इफेक्ट अपने जो गेम प्ले वीडियोस पर अप्लाई कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडजस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह मिलता है इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं इसका सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शार्पन, इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। ह्यू को आपको क्या करना है, सो अपने हिसाब से इंक्रीज करना है। एंड आप स्काई को किस तरीके से रखना चाहते हो अपने गेम प्ले वीडियो के अंदर उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। सो मैं कुछ इस टाइप का रखूँगा, ठीक है। एंड उसका शेडो मिलता है, शेडो को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे बिल्कुल ज़ीरो रख सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो हमारा गेम प्ले वीडियो जो कलर ग्रेडिंग हो चुका है, आप यहाँ से इसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। और स्काई कलर मैंने अपने हिसाब से रखा हूँ, आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हो स्काई के अंदर। सो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप का जो है टोन अप्लाई किया, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको क्या करना है, स्लो मोशन करना है। अगर आप स्लो मोशन करना चाहते हो अपने मोन्टाज पर किसी भी क्लिप, तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैची, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड स्प्लिट कर लेंगे अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको। उसके बाद आप इसे प्ले करेंगे यहाँ से, एंड कहाँ से लेकर आप कहाँ तक कौन सी क्लिप को स्लो मोशन करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसे यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे अगेन। और इस क्लिप को मान के चलो आप जो स्लोमो करना चाहते हो ये वाला क्लिप, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्पीड, आप देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। और स्पीड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलता है, लाइक इंटरफेस, और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का डॉट मिलता है, इनको आपको नीचे की तरफ लेके आ जाना, लाइक आपको यहाँ तक लेके आ जाना है। एंड सबको सेम इसी तरीके से नीचे लेके आ जाना है। एंड नीचे लेके आने के बाद आप देख सकते हो हमारा गेम प्ले वीडियो जो है स्लो मोशन हो चुका है। उसके बाद आप कर देंगे डन। और अभी आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ और कुछ इस तरीके से हमारा जो गेम प्ले वीडियो स्लो मोशन हो चुका है, उसके अंदर स्लोमो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको स्लो मोशन कर सकते हो और किसी भी जगह पर आप स्लो मोशन कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने जस्ट आपको एक जो डेमो दिखाया है कि कैसे कर सकते हो। और इसी तरीके से आप किसी भी क्लिप को स्प्लिट करके आपको आ जाना स्पीड पर और कुछ इस तरीके से डॉट को आप नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे, सो आपकी गेम प्ले वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा, ठीक है, वो वाला क्लिप। एंड उसका कर देंगे डन। सो ये वाला जो क्लिप है ये भी स्लो मोशन हो चुका है, आप देख सकते हो स्मूथ स्लो मोशन हो चुका है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। सो अगर लैग दिखाता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एक्सपोर्ट करने के बाद ये चीज़ें जो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ओके। सो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाया था, अगर आप अपने गेम प्ले वीडियो के किसी भी पार्ट में ऐसा करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको। एंड यहाँ पर मैं स्प्लिट कर लिया और अभी मान के चलो इस क्लिप को आपको जूम इन जूम आउट करना है। सो आप क्या करेंगे, इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से,
एंड सिलेक्ट आने के बाद आपका जो गेम प्ले वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा वो वाला क्लिप, एंड देन आप इसी तरीके से मैन्युअली अपनी उंगली से यानी अपनी फिंगर से जूम करेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी स्क्रीन पर आप हाईलाइट करना चाहते हो इस तरीके से आप कर लेना। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक करना है और ये वाला जो क्लिप है इस तरीके से जूम इन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है इस क्लिप पर, मैं आपको दिखाया था ये कुछ इस टाइप का है। सो आप देख सकते हो वीडियो हमारा पूरा जूम हो चुका है और थोड़ी देर में ये जूम आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये नॉर्मल हो चुका है, वापस आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी भी जगह पर अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बहुत ईजीली आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखाया था, लाइक मैंने स्प्लिट किया इस क्लिप को सिलेक्ट करते एंड इसको जूम कर लेते। सो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है एंड इसे आप अपने हिसाब से इस तरीके से जो है जूम कर लेना, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने गेम प्ले के अंदर उसको आप इस तरीके से जूम कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो जूम इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी गेम प्ले वीडियो पर जूम इन जूम आउट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें इफेक्ट अप्लाई करना है, सबसे पहला जो प्लस आइकन मिलता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस तरीके से ब्लैक फेड को अप्लाई कर सकते हो, व्हाइट फेड को अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ से आप वर्टिकल अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम ब्लैक को अप्लाई करते तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो चुका है क्लिप की स्टार्टिंग पर। नेक्स्ट जो प्लस आइकन मिलता है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जूम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक जूम ट्रांजिशन। इसके अलावा आप रोटेट अप्लाई कर सकते हो कुछ इस टाइप का एंड रिवर्स अप्लाई कर सकते हो। सो रोटेट को सबसे पहले अप्लाई करते अप्लाई हो चुका है, इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, ओके। एंड इस प्लस आइकन पर क्लिक करके आप रिवर्स को अप्लाई कर सकते हो, लाइक रिवर्स कुछ इस टाइप का है। सो स्मूथ आपकी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल भी लैग देखने के लिए नहीं मिलता इसके अंदर, ओके। सो अभी क्या करना है, यहाँ पर एक स्प्लिट कर लेना है एंड ये वाला जो क्लिप है इसको सिलेक्ट करना है। आपको आ जाना है एफएक्स पर और एफएक्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर बेस्ट इफेक्ट मिलता है, लाइक यहाँ पर हम इस टाइप का फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। सो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने व्हाइट को अप्लाई किया और यहाँ से प्ले करके जो आपको दिखाया था, लाइक इसका जो अमाउंट है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो ऐसे हम क्लिप की स्टार्टिंग पर अप्लाई किया और आप भी आपको इसे एक बार जो प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो चुका है, इसका अमाउंट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो लाइक ये इफेक्ट कितने सेकंड के अंदर ही होना चाहिए, सो हम इतना रखा एंड ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद कर देना है डन, तो आपकी गेम प्ले वीडियो पर कुछ इस टाइप का जो है इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो अभी आप देखना किस टाइप का इफेक्ट, तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आप अपनी मोंटाज पर अप्लाई कर सकते हो। अगेन हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते, सो कैची पर क्लिक करके आप स्प्लिट करना है अपना वीडियो को, ठीक है। उसके बाद एफएक्स पर क्लिक करना है और एफएक्स पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो अप्लाई करने के बाद इसका टाइम ड्यूरेशन आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो और इसे आप क्लिप की किसी भी जगह पर आप लगा सकते हो, लाइक स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में। सो मैं बिल्कुल बीच में अप्लाई करता हूँ, उसके बाद कर देना डन। सो अभी हम इसे यहाँ पर प्ले करते तो कुछ इस तरीके से आपकी क्लिप पर ये अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हो कितना एक मस्त यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो सेम इसे आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो एफएक्स पर आपको आ जाना है और डेयर सारा इफेक्ट में तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो एंड टाइम ड्यूरेशन आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो और अभी इसे प्ले करके दिखाते हो तो कुछ इस तरीके से आपकी क्लिप पर अप्लाई हुआ है, ये आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट अपनी गेम प्ले वीडियो पर अपनी मोंटाज पर अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का इफेक्ट मिलता है। सो जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर सकते हो, मैं जस्ट रेंडमली अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सो आप अपने हिसाब से देख देख के जो अप्लाई करना, सो जहाँ पर भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप इस टाइप का इफेक्ट जो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और प्लस पर क्लिक करके आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक मैंने आपको दिखाया काफ़ी सारा इफेक्ट मिल जाता है, आप इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो सर्कल, सर्कल का अप्लाई किया और अभी आपको इसे अप्लाई करके दिखाया तो ये कुछ इस टाइप का है, ओके। इसे आप कई बार भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक क्या हम ऐसा करते यहाँ पर अप्लाई करते और यहाँ पर हम जो है इस टाइप का वाइप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पर मिल जाता साकल, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है पुश आर, सो इस टाइप का अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम साकल को अप्लाई करते हैं एंड मैट मिलता है, आप यहाँ से इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जो कि बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन है, मेरे हिसाब से उतना खास नहीं, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे सर्कल को नॉर्मल पाइज थे और ये अप्लाई किया, सो एंड उसके बाद कर देना डन, तो आपकी ये वीडियो पर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ओके।
सो इस तरीके से आप इसके अंदर जो अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको एडिटिंग कर सकते हो। सो अभी क्या करना है हमें, इसके अंदर अपना जो म्यूज़िक उसको ऐड करना है। सो आपको टैप टू ऐड म्यूज़िक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक सिलेक्ट करेंगे, जो भी म्यूज़िक आप अपनी वीडियो पर लगाना चाहते हो मोंटाज पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और चूज पर आप क्लिक करेंगे। सो आपका म्यूज़िक आ जाएगा, अनुस्कृत कर देना डन। सो आप देख सकते हो गेम प्ले वीडियो पर म्यूज़िक आ चुका है। सो आप क्या करेंगे, इसका टाइम लेने आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। सो या फिर आप इसे डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। सो डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना, लाइक कुछ इस तरीके से हम आगे लेके आ जाते। सो ये आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। अगेन आप इसे डुप्लीकेट कर लेना और बेसिकली हमारा ये जो म्यूज़िक है ये 49 सेकंड का है और इसलिए ये हमारी पूरी वीडियो पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको इस तरीके से डुप्लीकेट करके अप्लाई कर लेना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर लेते हैं। सो इसके अंदर आप बीट्स ऐड कर सकते हो, बीट्स पर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी म्यूज़िक का बीट्स आ रहा है वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बीट्स इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो और आप बीट्स के हिसाब से अपनी वीडियो पर जो है इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बीट्स आ चुका है एंड कुछ इस तरीके से आप अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको एडिटिंग कर सकते हो। सो मैंने आपको काफ़ी सारा चीज़ इस वीडियो पर सिखाया है। सो अभी क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो इसे सेव करने के लिए क्या करना है, आपको राइट साइड के कोना पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 4K रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना, FPS आप यहाँ से 60 सिलेक्ट करना एंड बिटरेट आप यहाँ से हाई सिलेक्ट करना, टिक मार्क पर क्लिक करके आप इसे सेव कर लेंगे अपनी गैलरी पर। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।